नमस्कार, मैं महागुरु गौरव आप सभी को वर्ष 2018 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी राशि के सभी जातकों के लिए शुभकारी रहे, मंगलमय रहे। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जीवन में जब सुख आता है तो हम खुश हो जाते हैं, जब दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में दुखों से दूर रहना, और हमें दुख जब भी आएंगे वो तो एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो उस समय जब दुख आए या दुख ना आए, उनको 2018 आपके लिए शुभकारी व्यतीत तो उनके लिए क्या डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों को उपाय करने चाहिए, इसके बारे में मैं महागुरु गौरव आपको बताता हूँ। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में, उनको इस साल क्या उपाय करने चाहिए जिससे आने वाला साल एक अच्छा साल व्यतीत हो। तो सर्वप्रथम काली चींटियों को चीनी खिलाना इस राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य से जाने से पहले किसी भी 10 साल से कम की आयु की कन्या के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना शुभकारी और मंगलमय रहेगा। काले रंग की गाय की सेवा करना और दही से स्नान करना लाभकारी होगा। मंगलवार के दिन मसूर की दाल को दान करना शुभकारी रहेगा। धतूरे की जड़ और फूल गले में धारण, या फिर उनके जो फूल हैं धतूरे के, वो यदि आप गले में धारण करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा। शनिवार को आपको शनि मंदिर जाना है और ज़रूरतमंदों की मदद करें, कुछ लोगों की सेवा करें। शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी दें और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करें। ये उपाय यदि इस राशि के जातक साल भर करते हैं तो साल भर में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आएंगी बट उनसे आप विचलित नहीं होंगे। साल आपके लिए शुभकारी और कल्याणकारी साबित होगा। आने वाला वर्ष 2018 आप सभी के लिए शुभकारी और मंगलमय साबित रहे और आपको हर प्रकार की खुशियां मिले, भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।